दोस्तों मैं हूँ विकास और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर स्टडी क्लास में। दोस्तों आज मॉडल सेट का दूसरा सॉल्व करेंगे। आज का फर्स्ट प्रश्न है, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के मूलतः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। दोस्तों जब भी दो समांतर दर्पण रखा जाएगा तो उसके बीच वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनंत। अगला प्रश्न है, यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी 25 सेंटीमीटर है तो फोकस से वक्ता केंद्र की दूरी क्या होगी। दोस्तों एफ बराबर आर बाई टू एक फार्मूला होता है, तो इधर आर बराबर हो जाएगा 2f, तो हमें फोकस दूरी दिया हुआ है 25, अब 25 गुने 2 हो जाएगा 50, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है, हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वो 1.2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, इसमें से दोस्तों लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी m⁻¹। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश प्रतीत होता है। दोस्तों चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश काला रंग का प्रतीत होता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी काला। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की प्रवलता को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई एमीटर का, विद्युत धारा की प्रवलता को मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने में प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर्म लोहा, विद्युत चुंबक बनाने में नर्म लोहा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। दोस्तों अधातु एक ऐसा अधातु है जो ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व का धात्विक गुण क्या होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बढ़ता है। अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं तो तत्व का धात्विक गुण बढ़ता है। अगला प्रश्न है, सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अम्ल। अगला प्रश्न है, हीलियम कैसा तत्व है। तो दोस्तों हीलियम एक ओकिरिया तत्व है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओकिरिया। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। तो दोस्तों आवर्त सारणी में 8 वर्ग होते हैं, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला 13वां प्रश्न है, जल का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों जल का पीएच मान 7 होता है, जो जिसे उदासीन भी कहते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन कहलाता है। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवकरण, ऑक्सीजन का जो ही निष्कासन होगा तो उसे अवकरण कहेंगे, ऑक्सीजन का संयोग होगा तो उसे ऑक्सीकरण कहेंगे। अगला प्रश्न, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। तो दोस्तों वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण जो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खोगोदोनो, CO अमीनो अम्ल के विखंडन से ही बनता है और NH3 भी बनता है। अगला प्रश्न, हृदय के बेसमों का शीतलन कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डायस्टोल, शीतलन जो ही होगा तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डायस्टोल। 19वां प्रश्न, इनमें किसके द्वारा अमीबा का भोजन
का अंतर्ग्रहण होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कूटपात के दौरान। अमीबा अपना भोजन कूटपात के दौरान अंतर्ग्रहण करता है। लास्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घेरा रोग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय।